पाकिस्तान आम पैदा करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। यहाँ के आम पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और लोग इसे शौक से खाते हैं। पाकिस्तान से आम बड़ी मकदार में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे पाकिस्तान को भारी ज़र मुबादला हासिल होता है। पाकिस्तान के मशहूर आमों में सिंदड़ी, दशहरी, चौसा, सरोली, लंगड़ा, गुलाब खास और अनवर टोल शामिल हैं। आम फरोख करने वालों का कहना है कि होलसेल मार्केट में आम महंगा होने के बायस यह आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिसके बायस इसकी खरीदारी रोज बा रोज मुतासिर हो रही है। कम खरीद है, ग्राहक बहुत कम हो गया था, ठेले भरा हुआ है, सारा सड़ गया था, वहाँ मंडी में महंगा है, ग्राहक बहुत कम है। जबकि खरीदारों का कहना था आम खाए बगैर गुजारा नहीं होता, आम खाना है तो सस्ता और महंगा क्या देखना। ये मेरे को मिला 60 रुपए किलो, पिछले साल भी इतना ही मिला। ये चीज अच्छी अपने पसंद की, अपने मतलब की थी, और इसके बगैर रह नहीं सकता बंदा। अगर ये 100 रुपए भी होगा हम तो ले लें, अल्लाह ताला ने जिसको दिया है वो खर्च करो। कुछ लोगों का कहना था कि हुकूमत आम के दाम को कम कराए ताकि आम आदमी भी इस नेमत से फैसियाब हो सके। हमारी गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा नजरसानी करे कि इसको, इस फल को जो है ना थोड़ा सस्ता करे कि हर आवाम में हर इंसान जो है ना इससे इसी से अल्लाह ताला की नेमत से सुरखुरू हो और खाए। आवाम का कहना है कि हुकूमत आम की कीमतों को कंट्रोल करे और आम की सस्ते दामों फरामी यकीनी बनाई जाए। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को फलों के बादशाह आम से दूर कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस फल को सस्ता किया जाए। कैमरामैन आबिद खटक के साथ मंजर रिजवी, मेट्रो 1 कराची।